दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की महाविजय हुई। वहीं बीजेपी सीटों के मामले में दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसा अटूट रिकॉर्ड रचा है जिससे पार पाना न तो आम आदमी पार्टी के बस की बात थी और न ही भारतीय जनता पार्टी के। तो आखिर क्या है वो रिकॉर्ड जिसकी बराबरी ये दोनों ही पार्टियां नहीं कर पाई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिन पर 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई, यानी कुल 70 में से 70 सीटें उसके हाथ से निकल गई। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस 100% सीटों पर चुनाव हार गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए कांग्रेस के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना नामुमकिन था, यानी दोनों पार्टियों के लिए कांग्रेस का यह आंकड़ा एक अटूट रिकॉर्ड बन गया और ना चाहते हुए भी कांग्रेस के साथ चस्पा हो गया। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस इस खराब प्रदर्शन से कैसे निजात पाती है। टीम खबर अपडेट।